हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुभव माय कुकिंग एक्सपीरियंस। आज हम बनाएंगे, बहुत ही इनोवेटिव रेसिपी है ये, ड्राई फ्रूट पराठा। बहुत ही हेल्दी होती हैं ड्राई फ्रूट, इनमें जो आयरन भी बहुत होता है, कैल्शियम भी बहुत होता है, विटामिन्स तो बहुत ही होते हैं, और ये हार्ट फ्रेंडली भी होते हैं, हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, और डायबिटिक के लिए भी ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उनका मिक्स करके हम पराठा बनाएंगे। इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल है और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। इसके लिए हमने ये ड्राई फ्रूट लिए हैं, चिरौंजी, एक चम्मच चिरौंजी ली है, 10-12 हमने काजू लिए हैं, और थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ते, और ये है अखरोट, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, और ये है किशमिश, रेजिंस, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, जितने बारीक कर सके उतने करना आप। एक चम्मच नमक और 1/4 चम्मच देगी मिर्च है, ये जो कम तीखी होती है, और 1/4 चम्मच काली मिर्च। अब हम सभी ड्राई फ्रूट्स को, रेजिंस को नहीं कर लेना है, और बाकी ड्राई फ्रूट्स का हमने ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लिया है, पाउडर बना लिया है इस तरीके से, और ये हरी मिर्च और हरा धनिया है, इसे भी फाइनली चॉप करना है, काफ़ी फाइनली चॉप करना है। अब हम एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे, फिलिंग तैयार कर लेंगे इनकी, और ये है, पहले हमने आटा तैयार कर लिया है, ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जो आप अपने घर में यूज करते हैं, चपाती के लिए बनाने के लिए यूज करते हैं, उसे हमने गूंद कर रखा है पहले से ही, और अब हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए हम सभी चीजों को एक साथ डालकर और उसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने सभी चीजें, सभी मसाले और सभी ड्राई फ्रूट्स का पाउडर हमने इसमें करके फिलिंग तैयार कर ली है, और इसे फिल करना भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में ऑयल बहुत होता है, इनका अपना ऑयल ही बहुत होता है, तो इससे ये बाइंड हो जाएंगे। ये देखिए, मैं आप करके दिखा रही हूँ आपको इस तरीके से, ये देखिए बहुत अच्छे से ये बाइंड हो जाता है, तो आप इसकी चाहे तो बॉल्स बना कर रख सकते हैं इस तरीके से, जितनी आपको फिलिंग करनी हो उसी हिसाब से इसकी आप बॉल्स तैयार करके रख लें, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो उसे फिल करने में, तो आप इसमें थोड़ा सा उबला हुआ आलू भी मिला सकते हैं, एक छोटा आलू आप लेकर उसमें मिला सकते हैं। आप देखिए, ये हमने एक बॉल ली है डो की, जो आटा गूंदा हुआ था उसकी, थोड़ा ज़्यादा आटा लेना है, रोटी से ज़्यादा, चपाती जो बनाते हैं उससे ज़्यादा लेना है। आप इसकी बॉल तैयार कीजिए और इसे डस्ट करके आप इसे हाथ से फैलाइए। अगर प्रॉब्लम हो तो आप रोलिंग पिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हाथ से फैलाएंगे तो ज़्यादा ठीक है। इस तरीके से आप इसे हाथ से फैला लीजिए, जितनी हम चपाती बनाते हैं उसके लगभग आधी इसको हमने फैला लेना है इस तरीके से, ये देखिए। और अब हम अपनी फिलिंग की जो बॉल है वो हम इस पर फिल कर देंगे, जितनी आपने आटा लिया था लगभग उतनी ही फिलिंग आप ले सकते हैं, उसके बराबर फिलिंग जो इसमें आप फिल कर सकते हैं, ये हमने रख दिए। और अब आप सारे कॉर्नर्स को एक साथ इकट्ठा कीजिए और इन्हें इस तरीके से बंद कीजिए, ये देखिए, अच्छे से कीजिए, थोड़ी सी हल्के हाथ से इसे घुमाइए और अच्छे से गोल इसकी बॉल आप तैयार कीजिए। फिर से आप डस्ट करके इसे आप फिर से हाथ से फैलाना, और बहुत धीरे धीरे फैलाना, स्लोली, क्योंकि ये नहीं तो टूट जाएगा पराठा, कि फिलिंग इसमें काफ़ी है, तो इसलिए धीरे धीरे आप इसे फैलाइए। रोलिंग पिन से आप करेंगे तो वो पराठा एकदम से टूट जाएगा, तो पहले आप जितना हो सके आप हाथ से फैलाइए, उसके बाद आप डस्ट करके अब आप इसको रोलिंग पिन से इस तरीके से फैलाइए, रोल कीजिए, रोटी बनाइए इसकी, पराठा बनाइए। ये देखिए, ये हमारा पराठा जो है ये तैयार हो गया है, हमने बेल के इसे तैयार कर लिया है सेकने के लिए, और हमने इसके लिए लोहे का तवा लेना है, नॉर्मल लोहे का तवा, ये देखिए हमने नॉर्मल लोहे का तवा लिया हुआ है, नॉन स्टिक की कोई जरूरत नहीं है इसके लिए, और इसे ठीक से गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा ठीक से गर्म करके, और अब हम इसमें अपना पराठा जो है इस पर डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप पराठा तवे पर डाल दीजिए, और अब आपको ध्यान रखना है तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो पराठा नीचे से जल जाएगा, अधिक बबल्स आने लगे हैं, थोड़ा सा चेंज होने लगा है, तो आप इसे पलट दीजिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा देर इसको रखा तो ऊपर से दिखाई नहीं देगा, नीचे से ये मोटी होती है रोटी पराठा जो है, तो नीचे से जल जाएगा, तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से इसे सही वक्त पर पलटना है। और अब आप इस पर
घी लगा दीजिए। मैं इसमें घी लगा रही हूँ देसी, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप अपने वेजिटेबल ऑयल अपने घर में किचन में यूज़ करते हैं आप वो भी लगा सकती हैं, जैसा भी आपको पसंद हो आप उस पर लगाइए इस तरीके से, और इसे फिर से पलट दीजिए। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है ये, और इसको बनाना भी बहुत सिंपल है। ये देखिए ये पराठा हमने सेक लिया है, और इसी तरीके से हम और पराठे भी सेक लेंगे। और ये पराठा जो है बच्चों के स्कूल टिफिन के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए, तो ये खासकर विटामिन आयरन कैल्शियम सब कुछ उसमें मिलता है उनको। देखिए हमने सारे पराठे अपने बना लिए हैं इस तरीके से, और आप इसे आप कभी भी सर्व कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में आप इसे सर्व कर सकते हैं, दही के साथ सर्व कीजिए, अचार के साथ सर्व कीजिए, धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व कीजिए, जैसे भी आपको पसंद हो आप इसे सर्व कीजिए। वैसे ये अपने आप में एक कम्प्लीट मील है, हेल्दी है, टेस्टी है, सभी के लिए अच्छा है, छोटे बड़े सभी इसे खा सकते हैं। तो आप इसे बनाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसलिए आप इसे लाइक जरूर करें, इसे अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज माई इंस्पिरेशन। आप जल्दी ही हम फिर मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।